अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है SRIC कॉमर्स बज। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टच करने वाला हूँ, हाउ टू सोल्व केस स्टडी। चाहे वो 11th क्लास की स्टूडेंट्स की बात हो रही हो, चाहे 12th क्लास की बात की हो रही हो, है ना, दोनों ही सिचुएशन में केस स्टडी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, कुछ स्टूडेंट के अंदर तो केस स्टडी नाम सुनते ही खुश हो जाते, कर भाई मजा आ गया, फ्री के नंबर है ना। वहीं कुछ स्टूडेंट केस स्टडी का नाम सुनते ही डर बैठ जाता है, यार केस स्टडी आती है, सारे पेपर में क्या करेंगे क्या करेंगे। यानी कि केस स्टडी अपने आप में कुछ हुआ नहीं है, कोई डरावनी चीज नहीं है, ये स्टूडेंट वाइज स्टूडेंट डिपेंड कर रही है। यानी कि स्टूडेंट दो तरीके से काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो क्वेश्चन आंसर को रटते हैं, है ना। तो जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर रटते जो स्टूडेंट्स, उनके लिए तो बहुत डरावनी चीज है वो। उन स्टूडेंट्स के लिए पेपर में केस स्टडी से डरावनी कोई चीज हो नहीं सकती जो स्टूडेंट रटते हैं। और जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिया, उनके हेड्स याद है हर एक क्वेश्चन के, उनको उसके बाद कोई भी केस स्टडी दे दो, कीवर्ड निकालेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट 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 पेल देंगे सारा। यानी कि आप लोगों किस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे, है ना। मेरी जितनी भी वीडियो होती है बिजनेस स्टडी के ऊपर, चाहे 11th की बनाई हो चाहे 12th की बनाई हो, सारी की सारी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। मैं कोई कहानी नहीं लिख रहा यहाँ पे, यहाँ पूरी बड़ी बड़ी बोर्ड भर दिया, पूरा स्टेटमेंट लिख के मैंने यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, सिंपल पॉइंट उठाया, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर दी, इसका मतलब ये होता है, इतना सा ऑब्जेक्टिव है मेरा। मैं आपको कोई रट्टू तोता नहीं बनाने वाला कि भाई ये स्टेटमेंट से याद कर लो दो लाइन की, ये तीन लाइन की स्टेटमेंट से याद कर लो, नहीं नहीं नहीं, वो काम ही नहीं। यहाँ पे सारा काम ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने का चल रहा है, एक एक टॉपिक का हर एक पॉइंट को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करो, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर लिया, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली, क्लियर, कान खोल के सुन लो। और जो स्टूडेंट रट्टा मारते हैं, जो स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, उनके लिए केस स्टडी से मुश्किल कोई चीज नहीं है। तो ऐसे में बात आती है, केस स्टडी को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। देखो, आप जिस भी चैप्टर को आप पढ़ोगे, उस चैप्टर के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कीवर्ड्स निकाल लीजिए, है ना। जैसे कि भाई मैं कुछ आपको 12th की बुक के माने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए कुछ कीवर्ड्स मैंने बना दिए, ठीक है, उनको भी देखना। देखो ये कीवर्ड्स आपके पास, ठीक है। इन कीवर्ड्स में आप देखिए कि कैसे मैंने क्या करा है, हर एक प्रिंसिपल कुछ कीवर्ड्स निकाल लिए। अगर आपको केस स्टडी में कीवर्ड्स अगर आपको नजर आते हैं, तो मतलब ये वो वाली केस स्टडी है, ठीक है। इससे पहले आप सबसे पहला काम क्या है, केस स्टडी जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिला, आपको लग रहा है केस स्टडी ज्यादा आई है, तो आराम से कुछ नहीं करना, आपको केस स्टडी को पढ़ने से पहले आपको उस केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ना है। इस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये, कम ऑन, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। केस स्टडी को पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे, आपके माइंड में एक माइंडसेट बिल्ड हो गया क्वेश्चन का, उसके बाद केस स्टडी पढ़ो, अपने आप जब वो टॉपिक वहां पे स्टक करेगा, ऑन द स्पॉट आपका आंसर निकल जाएगा, ऑन द स्पॉट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते ही आप जब केस स्टडी को पढ़ रहे होगे, तो वहां पे आपका माइंड अपने आप स्टक करके रुक जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने आपके दिमाग को एक बीज, एक क्वेश्चन डाल दिया, तो आपको दिमाग से ढूंढता अपने आप सिचुएशन को ग्रैब कर लेगा, ठीक है। तो जैसे आप उसको ग्रैब करोगे, उसके बाद आपके अपना आपका माइंड जितनी बड़ी पूरी बुक जिसके अंदर फील्ड है, उस पूरी बुक को आपका माइंड को जितनी बड़ी बुक में सारो कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि केस स्टडी के लिए आपका माइंड एकदम खुला होता है, ओपन होना चाहिए। उतने सारे टॉपिक में से अपना माइंड अपने आप सर्च करके लेके आएगा, 10 ये रहा भाई कॉन्सेप्ट,
है ना। तो देखिए क्या बताया मैंने, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको केस स्टडी पढ़नी है। अगर आपने पहले केस स्टडी पढ़ी उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ा, फिर दोबारा केस स्टडी पढ़ोगे, एक क्वेश्चन आया तो था टॉपिक की कहां से दोबारा पढ़ दो। चलो केस स्टडी आपको कितनी बार पढ़नी पड़ेगी, 2 times। अदरवाइज आप क्वेश्चन पढ़ लियो, एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है, उसके बाद आप केस स्टडी को पढ़िए। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है किसके अंदर, आपकी इंग्लिश के अंदर जो आपके पैराग्राफ जो आते हैं है ना, अनसीन पैसेज जो आते हैं, वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है। और जो स्टूडेंट्स अभी टाइम है, जो स्टूडेंट्स रट्टे मार रहे हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, उन लोगों के पास अभी भी टाइम है। देखो करनी आपको अपनी मर्जी की है, मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ बस, ठीक है। अगर आप एडवाइस देना चाहते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, केस स्टडी से डरना नहीं चाहते, केस स्टडी को डराना चाहते हो, तो ऐसे में आप अपनी कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लीजिए। चैनल पे, मेरे चैनल पे आइए, वीडियो देखिए, आराम से सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। प्लस जब चैप्टर के लास्ट में ग्लम्प्स दे रखे हुए कुछ होते हैं, कुछ फोर्स दे रखे होते हैं, कुछ कीवर्ड्स दे रखे होते हैं, उन कीवर्ड्स को आराम से पढ़िए। इतनी बड़ी थ्योरी याद नहीं कर पाओगे, तुम कीवर्ड्स की हेल्प से अपनी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करो अपने माइंड की, ऐसी ब्रिंगिंग करो अपने माइंड की, कि वो इतने अच्छे तरीके से छोटे से पॉइंट को आराम से एक्सप्लेन कर सके। और हाँ, लास्ट में बिजनेस स्टडी का आपको कोई भी पॉइंट, अगर किसी क्वेश्चन का पॉइंट होता है ना, सब पॉइंट 5 point, 6 point, 7 points, उसमें से किसी भी पॉइंट को आपको 3 to 4 lines, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 lines है, 3 lines से ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और जो भी आपका क्वेश्चन आए, कोशिश करो उसमें डायग्राम्स यूज करो, आपका क्वेश्चन नंबर क्लियरली स्टेटेड हो। बोर्ड स्टूडेंट्स ध्यान सुनो, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्लियर स्टेटेड हो, ठीक है। केस स्टडी के अंदर का डायग्राम यूज कर सकते हो तो डायग्राम यूज करो, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं जो कीवर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सबके ऊपर फोकस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो लास्ट में सम अप करते हुए बताता हूँ आपको, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, उसके बाद केस स्टडी पढ़नी है, ठीक है। नंबर टू, हर एक चैप्टर के अपने कीवर्ड्स बना लीजिए। कैसे बनेंगे, जब चैप्टर पूरा रीड आउट कर लो, चैप्टर के लास्ट में कुछ कीवर्ड्स दे रखे होते हैं, चैप्टर के लास्ट में चैप्टर एट ए ग्लम्प्स कंक्लूजन दे रखा होता है, तो वहां से हर टॉपिक के, अगर आप बुक पढ़ते हो, सुभाष डे पढ़ते हो, आर के सिंगला पढ़ते हो, सबके अंदर लास्ट में समरी दे रखी है, ठीक है, पूनम गांधी पढ़ते हो, इन सबके अंदर लास्ट में समरी दे रखी है, तो वहां समरी से कीवर्ड्स निकाल लिए, जिससे आप अंडरस्टैंड करो कि हाँ ये केस स्टडी उस टॉपिक से रिलेटेड है। यानी कि पहले आपका माइंड इतना बड़ा था, जैसे केस स्टडी का टॉपिक समझ में आया, आपका दिमाग हम फोकस्ड हो गए पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, 3-4 points जो मैंने बताए, इन सबको बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अपनी केस स्टडी को अटेम्प्ट करिए। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है केस स्टडी सोल्व करने में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं क्वेरीज को 100% सोल्व करूंगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव कब पूरा होगा, जब हमारे चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स से शेयर करोगे वीडियो को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 90+ marks जब आएंगे, तब मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। ऐसे में शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।